हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टर राहुल शर्मा में। लेकर आए हुए एक और नई वीडियो, और आज की वीडियो बेसिकली जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, हमारे देश में आजकल धर्म को लेके बहुत ज्यादा कहते हैं ना, आपस में लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें होती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको असामाजिक तत्व कह लो या गलत धारणा वाले लोग ऐसे कह लो, जो धर्म को लेके ऐसी चीजों में एक दूसरों में भेदभाव करते हैं या एक दूसरे को उकसाते हैं कि नहीं भाई हमारा धर्म अच्छा है, हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया वो बोल दिया। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर अपने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में किसी के बारे में बात करूँ, मैं यहाँ सभी की बात कर रहा हूँ। जितनी भी आजकल, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम से यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, जैसे मेरा आदत है मेरी नई नई चीज़ें सर्च करने की, तो मैंने देखा कुछ वीडियोस मैंने देखी, और ऑब्वियसली मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी लगेंगी कोई मेरा अगर हिंदू धर्म को लेकर कोई कहीं मजाक बनाया जाता, कोई भी चीज़ें की जाती हैं। और वैसे भी हम कहने को हिंदू राष्ट्र यानी कि भारत में रहते हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ एक धर्म की ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने धर्म की बढ़ाई कर रहा हूँ हिंदू धर्म की, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर जिस देश में हिंदी एक मेन हमारी मातृभाषा है और हिंदुत्व राष्ट्र बोला जाता है हमारे धर्म देश को, तो वहाँ पर ही कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद शोभा नहीं देती हमारे जैसे यहाँ के जो भी ये लोग कर रहे हैं। जैसे कि पहली क्लिप आप देखेंगे, हरियाणा के एक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल था कोई, उसमें रामायण करवाई गई, जो कि रामायण एक रामलीला जो एक तरीके रामायण का एक कहानी जो दिखाते हैं रामलीला में, वो कहानी दिखाई गई, लेकिन वो दिखाई गई किस तरीके से, ऐसे कहते ना इतनी नीच हरकत करके दिखाई गई, उसको मजाक में बनाया गया उसका। तो आप ये क्लिप देखिए एक बार। किसे मारने आया था? राम भैया। सरपंच राम जी, अरे तू कौन है? ये आपका बेस्ट फ्रेंड हनुमान। आप मुझे इग्नोर करते हैं। इग्नोर? मैंने तुझे कभी इग्नोर किया? आप मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते हो और पैसे भी आपको माफ नहीं करते। अरे यार वो यहाँ पर इंटरनेट स्लो है ना इसलिए। अरे छोड़ दे, ये सीता ये रावण ये है कौन? समझाइए रे मारी ये क्लिप थी हरियाणा के क्रिश्चियन स्कूल की, और वहाँ के स्कूल वाले भी बाद में, जब अगर आप ये पूरी क्लिप देखेंगे तो उसमें एंड में दिखाया जाता है कि हाँ सब पूछा जाता है कैसी लगी आपको रामायण, सब हंस के बहुत बोलते, बहुत मजा आया। बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो मतलब हमारे धर्म का ऐसे मजाक बनाया जाता है और ऐसे उस पर ठाके लगाए जाते हैं, और हमारे भगवान को इस तरीके से बोला जाता है, जैसे कि मतलब बहुत से लोग ऐसे जो मतलब उनकी रिस्पेक्ट तक नहीं करते हैं, और वो दिखावा भी होता है अभी सबके सामने कि हाँ हम इस धारणा के लोग हैं। एक क्लिप और मैंने देखी थी, एक कानपुर में कोई स्कूल था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा हमारे यहाँ शादी समारोह में मेहंदी लगाने का रिवाज होता है हिंदू धर्म में, तो किसी बच्ची ने मेहंदी लगा रखी थी हाथों पे, और ऑब्वियसली वो एक दो दिन में तो जाती नहीं है, कुछ टाइम लग जाता है। वो जब स्कूल गई तो उसके हाथों को पत्थर से रगड़वाया गया क्योंकि उसने मेहंदी लगा रखी थी, और शायद उस पर फाइन भी किया गया ऐसा कुछ था। इस तरह की ऐसी नहीं, और भी बहुत सारी न्यूज़ मैंने देखी है, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं जो मतलब कह सकते हैं उसको हिंदू विरोधी या फिर मेरे हिसाब से धर्म विरोधी कह सकते हो। और सिर्फ यही बातें नहीं है, आज की डेट में जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे हमारे देश में आप लोगों ने सुना होगा कि आज मुस्लिम लड़के को पीट दिया, हिंदू लड़के को पीट दिया, ये हो गया वो हो गया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ भी सुनी थी, तकरीबन 7-8 महीने पहले की न्यूज़ है, कि एक मुस्लिम लड़का था कोई, वो किसी मंदिर में गया तो वहाँ उसने पानी पिया था, सिर्फ उसका नाम पूछा मुस्लिम है, तो उस बात पे उसके साथ मारपीट की गई। क्या नाम है तेरा? बॉस का नाम? हबीब। मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। पानी पीना है। तो ये भी मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म के साथ ऐसा होता, मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूँ कि धर्म को लेके चीज़ें क्यों होती हैं इतनी। हमारा देश में आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतने लोग आगे जा चुके हैं, लोगों का माइंडसेट इतना ऊपर जा चुका है, इतने ओपन माइंडेड हम लोग होते जा रहे हैं, लेकिन ओपन माइंडेड हम लोग इन चीज़ों में नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओपन माइंडेड मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम अपने धर्म को फॉलो करना छोड़ दें या उसके बारे में ना सोचें, सोचें जरूर, लेकिन धर्म के नाम पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं कम से कम उनका तो साथ ना दें। और रही बात गलत लोगों की, जैसे मैंने बताया मुस्लिम लोगों को बहुत से लोग बोलते हैं, हिंदू को बोलते हैं, हर तरह के ऐसे लोग होते हैं, मेरे भी अगर मैं हिंदू हूँ तो जरूर थोड़ी ना कि मैं हिंदू तो मेरे पर ठप्पा लग गया मैं सही हूँ, या कोई मुस्लिम है तो ठप्पा लग गया वो गलत ही होगा। हर जगह हर कोई सही नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और हर जगह हर कोई गलत नहीं होता। किसी के धर्म को लेके सोचो कि हाँ भाई ये हिंदू है तो ये गलती कर रहा होगा, या एकदम कट्टर है, या मुस्लिम है तो ये एकदम कट्टर ही होगा, ये गलती सोच रखता होगा, ऐसी धारणा बनाना एकदम गलत है। मैंने आपको जो भी क्लिप दिखाई, इस तरह की वीडियोस आप लोग कटिंग्स में, न्यूज़पेपर्स में, और रोजाना के अपने डे टू डे लाइफ में आप सुनते रहोगे, ऐसी न्यूज़ में आप देखते रहोगे कि आज फलाने जगह ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं बस इन लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे जितने भी ये आपने भी देखा होगा, आजकल ये स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चल रहा है, उसमें बहुत हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है, जितनी भी ये सब जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई सुधर जाओ, ठीक है। अपने धर्म को लोग, अगर मैं अपने हिंदू, जैसे मैं हिंदू, तो ऑब्वियसली मैं हिंदू को पहले बोलूँगा कि अगर आप हिंदू हो तो
अपने धर्म को पहचाने, उसकी हमेशा हर जगह रिस्पेक्ट करें। मुस्लिम है तो भी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, काफ़ी जगह मैंने ऐसे भी सुना था कि एक जगह किसी स्कूल में, शायद चेन्नई का स्कूल था, वहाँ माथे पे वभूति जिसको हम बोलते हैं, टीका बोलते हैं, वो लगाई हुई थी, इस वजह से उनको फाइन लग गया था, या मेहंदी का जश्न बताया फाइन लग गया था। अगर हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, वहाँ अगर कोई अपने धर्म को फॉलो कर रहा, कोई भी हो, मैं ना तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि अगर कोई लड़की कॉलेज जाती है मुस्लिम है तो वो, अगर कोई वो उनका मुस्लिम जो पहनावा अगर वो पहन के जाती है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के साथ फिर ऐसा क्यों होता है, या किसी के साथ भी क्यों होता है ऐसा? ये सब धारणा किसने बनाई गई है, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो मतलब इस तरह की सोच रखते हैं कि अगर कोई धर्म को लेकर अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो उस पर फाइन लग जाए उन सब चीज़ों पर? मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ वाले हो, या ये फालतू के लोग हों जो धर्म के नाम पर इधर उधर ये सब चीज़ें, लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें फैलाते हैं, अपनी मानसिकता को बदलो, सोच बदलो अपनी। देश बहुत आगे जा रहा है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, आगे बढ़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं आप ये फालतू की चीज़ें करके ही न्यूज़ में बने रहें आप सिर्फ। बाकी वीडियो कैसे लगी आप लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ। और वीडियो को अगर आपको ज़रा सी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस तरह की मानसिकता के लोगों से हम लोग बच सकें, या लोगों में एक कम से कम एक अवेयरनेस पैदा हो, जो आज की डेट में मेरे हिसाब से लगता है कि लोग उसको सिर्फ मजाक में ही ले जाते हैं, अगर किसी के धर्म का मजाक भी बनाया जाता तो उसको अदरवाइज में ले लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बाकी नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।